दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सेलिब्रिटी के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं जिन्होंने श्रीराम मंदिर निर्माण में आर्थिक रूप से अपना योगदान दिया है। कई मशहूर हस्तियों ने इस विशाल परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इनमें क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के स्टार्स भी शामिल हैं, जबकि कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटी भी हैं जिन्होंने करोड़ रुपए का दान भी किया, फिर भी उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अक्षय कुमार। 17 जनवरी को बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने खुलासा किया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए एक अज्ञात राशि दान की है। उन्होंने लिखा, यह बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। अब योगदान देने की हमारी बारी है। मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जय सियाराम। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अनुपम खेर। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने राम मंदिर निर्माण के लिए ईंटें दान की हैं। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा, अयोध्या में बन रहे इस विशाल मंदिर को बनते हुए देखकर बहुत सुखद महसूस हो रहा है। रामलला के मंदिर निर्माण में हर भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से लगा हुआ है। जय श्री राम की गूंज पूरे अयोध्या में गूंज रही है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह अवसर मिला। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हेमा मालिनी। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने न केवल एक उदार अघोषित राशि दान की है, बल्कि उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से अभियान भी चलाया है और वे उद्घाटन से पहले अयोध्या में रामायण पर बेस्ड एक डांस ड्रामा पेश करने जा रही हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर है टीवी अभिनेता गुरमीत चौधरी। इनके पास अपनी कमाई का बहुत पैसा है और वो सक्रिय रूप से प्रशंसकों से आगे आने और जो भी छोटी राशि दान कर सकते हैं दान करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्र करने का काम पूरे देश में बड़े जोर शोर से चल रहा है। इस शुभ कार्य के लिए हम भी अपना कुछ सहयोग भगवान राम के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है प्रणीता सुभाष। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों में अभिनय के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री प्रणीता सुभाष ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा चलाए गए राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए 1,00,000 रुपए का दान दिया है। एक्स को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, मैं अयोध्या राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के लिए 1,00,000 रुपए की विनम्र प्रारंभिक प्रतिज्ञा कर रही हूं। आप सभी से हाथ मिलाने और इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने का अनुरोध करती हूं। उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला। दोस्तों, इसके बाद आते हैं गौतम गंभीर। क्रिकेटर से बीजेपी सांसद बने गौतम गंभीर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1,00,000,000 रुपए का दान दिया है। एक गौरवशाली राम मंदिर सभी भारतीयों का सपना रहा है। आखिरकार लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे पर विराम लग गया है। इससे एकता और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रयास में मेरी और मेरे परिवार की ओर से एक छोटा सा योगदान दिया गया है। दोस्तों, सातवें नंबर पर है मुकेश खन्ना। शक्तिमान फेम एक्टर मुकेश खन्ना ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपए का दान दिया है। इसका खुलासा करते हुए उनके ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया। आज बुजुर्गों के दादा और बच्चों के ताकतवर आदमी श्री मुकेश खन्ना जी ने राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान में 1,11,111 रुपए का चेक अपने क्षेत्र के विधायक अतुल भातखलकर जी को सौंपा। उनके साथ विजय झा जी और साईनाथ कुलकर्णी जी मौजूद रहे। उनके निमंत्रण की भी कोई खबर नहीं है। दोस्तों, आठवें नंबर पर है मनीष मूंदड़ा। भारतीय फिल्म निर्माता जिन्होंने आंखों देखी, मसान और कड़वी हवा जैसी कई बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,00,000,000 रुपए का दान दिया। अपने परोपकारी प्रयासों के लिए जाने जाने वाले उन्होंने पहले महामारी के दौरान वेंटिलेटर के लिए 3,00,000,000 रुपए का दान दिया था और सीए विरोधी विरोध प्रदर्शनों के बाद हिंदू विरोधी दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 10,00,000 रुपए का दान भी दिया था। बताया जा रहा है कि उन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता नहीं मिला। दोस्तों, नवे नंबर पर मनोज जोशी है। हलचल, धूम, भागम भाग, चुप चुप के और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता मनोज जोशी ने भी अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। उन्हें भी मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है पवन कल्याण। रिपोर्टों के अनुसार दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार जो राम मंदिर उद्घाटन के लिए आमंत्रित मशहूर हस्तियों में से एक हैं, उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 30,00,000 रुपए से अधिक का योगदान दिया था। जबकि इन अभिनेताओं ने राम मंदिर के निर्माण में अपने योगदान के बारे में बताया, जबकि कई अन्य लोगों ने चुपचाप धन दान किया है। कुछ अन्य नाम जो चर्चा में हैं,
उनमें शाहरुख खान, केजीएफ के यश भी शामिल हैं।